आज आप लोगों को ऐसी दुकान दिखाने जा रहे हैं जहाँ पे सुबह सुबह जलेबी खाने के लिए लाइनें लग जाती हैं। लखनऊ की काफी मशहूर दुकानों में से है। हम लोग आ चुके हैं लखनऊ के केसर बाग, जहाँ पर ये अंकल जी अपनी जलेबी बेच रहे हैं। इनकी दुकान पे अंकल की दुकान पर सिर्फ दही जलेबी मिलता है। सबसे पहले जो जलेबी वाली कढ़ाई है उसमें एक एक करके अंकल जलेबी बना लेते हैं। जलेबी जो है बनाने के बाद इसको अच्छे से तोड़ के, जिससे कि तोड़ने से क्या होता है, जलेबी अच्छी बनती है और क्रिस्पी बन जाती है। और जब जलेबी बन जाती है तो इसको एक एक करके चाशनी में डिबो देते हैं। चाशनी बोने के बाद अच्छे से जो चाशनी अंदर जब घुल जाती है जलेबियों में, तो जलेबी खाने का स्वाद ही अलग हो जाता है। और उनकी जलेबी काफ़ी क्रिस्पी और काफ़ी स्वादिष्ट होती हैं। जलेबी जब भीगने के बाद अच्छे से अंकल एक एक करके सारी जलेबी जो है निकाल लेते हैं। निकालने के बाद इसे जलेबी को छानने के बाद इसको अपनी ट्रे में इसको निकाल लेते हैं। तो कब से शॉप है आपकी? ये हमारे है जो 10 साल हुआ भाई। बाबा आए थे, बाबा गए, हम सुबह 5 बजे आपकी दुकान पर दाखिल हो जाते हैं। 12-1 बजे तक यही जलेबी बिका देती है। तो आपके शॉप में सिर्फ जलेबी और दही मिलता है सर? तो देख सकते हैं यहाँ पे अंकल है, यहाँ पे जलेबी और दही है यहाँ पे, और बनती रहती है यहाँ पे, लोग आके खाते रहते हैं। और लखनऊ में दही जलेबी को ज़्यादा खाई जाती है। और अंकल की शॉप बहुत ही पुरानी है, लखनऊ में ऐसी पुरानी दुकानों में से है। और सुबह का वक्त है और लोग यहाँ पे दही जलेबी खाने के लिए आ रहे हैं यहाँ पे। और अपने लिए भी हम लोग लगवाते हैं दही जलेबी, फिर आपको उसका टेस्ट बताते हैं इसका टेस्ट कैसा है। हम लोग भी अपने लिए जलेबी लगवाते हैं, तो हमारे लिए भी लगा दीजिए। और कुछ इस तरह से वेट करके ये जलेबी जो है और साथ में दही, दही आप ही बनाते हैं? और ये जो है हमारी दही जलेबी आपकी है, और टेस्ट करके बताते हैं इसका टेस्ट कैसा है। और क्रिस्पी जलेबी है बिल्कुल, और साथ में दही। और करते हैं टेस्ट, और वाकई में जो जलेबी बहुत क्रिस्पी है और खाने में बहुत ही बढ़िया लगी मुझे। और जो भी लखनऊ से लखनऊ आ रहा है तो यहाँ पे आके खा सकता है। Yes.